ये देखिए गाइज, जैसे कि आपको इसके अंदर दिख रहा है बहुत सारी कैंडल है, और मैं आपको अभी फिर हैमर के बारे में बताने लगा हूँ जिसके अंदर फेक और रियल हैमर का। जैसे आप देख सकते हैं ये वाला हैमर बना हुआ है, ये हैमर का ब्रेकआउट होते ही इसका स्टॉप लॉस ले गया उसी टाइम आपका ट्रेड का। ये हैमर है, ये हैमर के बाद भी इसके ब्रेकआउट पर अगर ट्रेड लिया तो इसका भी स्टॉप लॉस ले गया। बट जो ये वाला हैमर है इसके ब्रेकआउट से इसका स्टॉप लॉस नहीं लिया है इसने, देख सकते हैं। सो इसके अंदर मैं आपको बताऊँगा कि रियल हैमर कौन सा और फेक हैमर कौन सा है। जैसे इस हैमर पे आपने सपोज ट्रेड लिया है और ये आपका देख सकते हैं आप, इसके अंदर आपको कितने पॉइंट मिले हैं इस हैमर पे, इस हैमर पे आपको 160 पॉइंट मिले हैं। सो ऐसे ही हम आपको बताएंगे कि रियल हैमर और फेक हैमर कौन सा है, उसके अंदर डिफरेंस। ये वाले हैमर ने 160 पॉइंट दिए हैं, बट ये वाला हैमर आपका स्टॉप लॉस ले गया, ये वाला हैमर भी आपका स्टॉप लॉस ले गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब ये आपका ये वाला पैटर्न भी एक कुछ दिखाता है, ये इन्वर्टेड हैमर है, ये देख सकते हैं आप। ये इन्वर्टेड हैमर कई लोग क्या करते हैं, यहाँ से ब्रेक होते ही पुट साइड की ट्रेड लेते हैं, देन उसके बाद यहाँ का स्टॉप लॉस लगाते हैं और उसके बाद यहाँ से उनका स्टॉप लॉस हिट हो गया, देन उसके बाद ये आपको पॉइंट्स दिखते हैं। सो ये स्टॉप लॉस क्यों हिट होता है, इसके अंदर हम आपको बताएंगे कि मार्केट कैसे चलती है, कौन से हैमर का स्टॉप लॉस हिट होता है, कौन से इन्वर्टेड हैमर का स्टॉप लॉस हिट होता है, और कौन से हैमर का और कौन से इन्वर्टेड हैमर का टारगेट जाता है, इसके अंदर डिफरेंस होता है कि हैमर को कैसे पहचानना है, कौन सा रियल हैमर है कौन सा फेक हैमर है। तो इसके अंदर ऐसे ही हम वीडियोस के अंदर आपको बताएंगे, आप वीडियोस देखिए, चैनल को लाइक कीजिए अगर आपको अच्छी लगती है। तो ऐसे ही हम कैंडल्स की जानकारी आपको देते रहेंगे।